जब अयोध्या में हुआ भगवान श्री राम का आगमन तो उधर क्या कर रहा था पाकिस्तान, मुस्लिम देश, और मौलवी भी बोलने लगे जय श्री राम। उधर कट्टर मुस्लिम कर रहे थे विरोध। इधर 22 जनवरी को ही मुस्लिम महिला की कोख से पैदा हुए बालक राम। मुस्लिम महिला फरजाना ने दिया राम को जन्म तो पिता करने लगे राम का गुणगान। पाकिस्तान ने भी भेज दिया खास संदेश। जब अयोध्या में भगवान राम आए तो पाकिस्तान में क्या हो रहा था जानते हैं आप? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मौलवी और मौलाना भी जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उधर कट्टर मुस्लिम राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और उधर मुस्लिम घर में ही जब राम ने जन्म लिया तो नमाज की जगह मुस्लिम पिता ने राम के मंत्र पढ़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस वक्त भगवान राम दिव्य अवतार के साथ अपनी मूर्ति में प्रवेश कर रहे थे उसी दौरान मुस्लिम महिला फरजाना ने राम को जन्म दिया। सीएम योगी कट्टर हिंदू नेता माने जाते हैं और वो शुरू से ही भगवान राम के लिए लड़ाई लड़ते रहे। यही वजह है कि जब राम मंदिर की पूजा में योगी मोदी को एक साथ लोगों ने देखा तो कट्टर मुस्लिमों के अंदर करंट दौड़ गया। पाकिस्तान के लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे थे। पाकिस्तान की सेना के अंदर भी राम राम हो रहा था। पीओके के अंदर से जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन जब एक मुस्लिम घर में राम का जन्म हुआ तो पाकिस्तान भी राम राम करने लगा। वही पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अपने घरों में छुपकर भगवान राम के लिए यज्ञ कर रहे थे। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक राममय हो चुका था। पूरी दुनिया की नजर उस वक्त हिंदुस्तान पर थी। पूरी दुनिया अयोध्या से भगवान श्री राम के दर्शन कर रही थी। लेकिन अब आपको उस महिला से मिलवाते हैं जिन्होंने राम को जन्म दिया है और मुस्लिम घर में आज नमाज नहीं बल्कि राम राम हो रहा है। राम को जन्म देने वाली यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली मुस्लिम महिला फरजाना है। फरजाना का परिवार मुस्लिम धर्म को मानता है लेकिन 22 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार राम भक्त हो गया। यहाँ तक कि दादी हुस्न बानो भी राम रंग में रंग गई। फिरोजाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम महिला फरजाना ने बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद दादी हुस्न बानो का कहना है कि आज अयोध्या में राम जी विराजमान हो रहे थे इसलिए हमने अपने बच्चे का नाम राम रहीम रखा है। इस मुस्लिम परिवार का कहना है कि 22 जनवरी का दिन बहुत अच्छा है, राम का उत्सव मनाया जा रहा है। बहू ने उस दिन बेटे को जन्म दिया। भगवान राम अयोध्या आए इसलिए हमने बेटे का नाम राम रहीम रखा। जो लोग भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे उनके सीने पर सांप और भी ज्यादा लौट गया। जब ऐसा ही कुछ संभल के एक परिवार ने किया, संभल के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम परिवार ने राम रखा है। इतना ही नहीं, इस बच्चे के पिता ने नवजात के गले में राम नामी पटका भी डाली और उसके कानों पर राम नाम का मंत्र भी फूका। 22 जनवरी को बेटे के जन्म पर परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई है। 500 साल लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला आ गए। यही वजह है कि पूरे देश में रात को दिवाली जैसा माहौल रहा, हर कोई राममय हो चुका था। इसका असर पाकिस्तान में भी देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू अपने घरों में छुप छुप कर यज्ञ कर रहे थे। पीओके में मुस्लिम परिवार भी राम का नाम ले रहे थे। ये है पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पाकिस्तान में जश्न मना रहे थे। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान से बैठकर सोशल मीडिया पर राम मंदिर का एक वीडियो शेयर करके श्री राम का स्वागत किया। वहीं देश में रहने वाले कई मौलवी भी भगवान राम के जश्न में शामिल हुए और ये कट्टरपंथियों के लिए सबसे बड़ा झटका है। और देश विदेश पूरी दुनिया में हर किसी की जुबान से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे राम रहीम को जन्म देने वाली राममय हो चुकी महिला फरजाना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।